बटर गार्लिक परांठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, 7-8 लहसुन की कलियाँ जिसको हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, हरा धनिया, रिफाइंड ऑयल, बटर, कुछ मसाले लिए हैं यहाँ पे, हरी मिर्च, नमक, मैगी मसाला, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो और काली मिर्च। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन को दबाने से मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। सबसे पहले हम पराठे का डो बना लेते हैं। बोल में हम गेहूं का आटा और मैदा डाल लेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैदा ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ इसे गेहूं के आटे से बनाने चाहते हैं तो बना सकते हैं आप। आटे को हम अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, वो अच्छे से आटे मिक्स होना चाहिए। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमने यहाँ पे एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। और कितना अच्छा डो बनकर तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट। हमें गार्लिक पराठे के लिए बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए। अगर हार्ड होगा तो उससे हमारा पराठा अच्छा सा नहीं बनेगा। हमें बिल्कुल इस तरह से आटा चाहिए। अब हम आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम पराठे पे अप्लाई करने के लिए बटर गार्लिक तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 पराठे बना रही हूँ तो मैं 2 चम्मच बटर लूँगी। बटर हमारा इस तरह से मेल्ट होना चाहिए, बिल्कुल पानी जैसा नहीं होना चाहिए। अब बटर में गार्लिक डाल देंगे, साथ में हमने सारे मसाले लिए थे वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। हमने आटे की एक लोई ले ली है, थोड़ा सा गोल गोल बना लेंगे लोई को, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और लोई को अच्छे से बेल देंगे। हमें खूब बड़ा सा बेलना है, जितना बड़ा बेलेंगे उतना हमारा पराठा अच्छा बनेगा। देखिए हमने कितनी बड़ी लोई बेल ली है, पूरे चकले जितनी। अब हम इसके ऊपर खूब सारा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा इसलिए लगाएंगे जब हम पराठे को रोल करेंगे वो चकले से चिपकेगा नहीं। अब हमने बटर गार्लिक की जो हमने पेस्ट बनाया था अब हम इसको पराठे पे लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। पूरे अच्छे से हमने बटर लगा लिया है। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे चारों तरफ, थोड़ा सा हम सूखा आटा डाल देंगे ऊपर से। हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे। अब हम चाकू से पराठे की ऐसे ऐसे पतली पतली लेयर बना देंगे। ऊपर से बिल्कुल नहीं काटना है, हमें नीचे तक लेके जाना है इसको, ऐसे बिल्कुल पतली पतली। बहुत अच्छे से हमने कटिंग कर ली है। अब हम पराठे को ये वाली साइड से उठाएंगे और ऐसे करते हुए फोल्ड करते चले जाएंगे। सूखा आटा लगाने से देखिए चकले में बिल्कुल भी नहीं चिपका और कितने आसानी से रोल हो रहा है। गोल गोल करते हुए हम इसको थोड़ा सा और घुमा लेंगे और थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे। अब हम इसको ऐसे करते हुए गोल कर लेंगे। अब हम पराठे को बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तवे को हमने पहले से ही मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और अब हम पराठे को तवे पे डालेंगे।
पराठे में ऊपर हल्का हल्का सा बटर मेल्ट हो गया है, हम पराठे को पलट देंगे। एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, पराठों के चारों तरफ डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर भी डाल देंगे। पराठे को पलट देंगे। देखिए कितने मजेदार पराठा लग रहा है, कितने लच्छेदार। पराठा हमारा हो गया है, हम इसे उतार लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार पराठा है, एक एक लच्छा अलग अलग दिख रहा है। कितना क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ है।